का न्यूज़ देखने के लिए मां आनंदी न्यूज़ के साथ आप जुड़े रहिए। मैं शैलजा मिश्रा, आज का न्यूज़ देखते हैं। लखनऊ से संवाददाता अनुराग द्विवेदी की रिपोर्ट। राजधानी लखनऊ के विकास नगर रहीम नगर चौराहे पर आज चीनी राष्ट्रपति का पुतला फूंक करके विरोध प्रदर्शन किया गया। हिंदू जागरण मंच के नगर अध्यक्ष अमृतेश कुमार मृत्युंजय के द्वारा इस विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया और साथ ही लोगों से अभी अपील की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीनी सामान का बहिष्कार करें। आज विकास नगर पावर हाउस चौराहे पे और रहीम नगर दोनों ही जगहों पे चीन के पुतले और जिनपिंग का पुतला, चीन का झंडा और जिनपिंग का पुतला दोनों जलाने का कार्यक्रम रखा गया है। चीन जो हमारा कट्टर दुश्मन है, जो और चीन के इसी आतताई रवैये की वजह से अभी सीमा पर हमारे 20 जो है जवान शहीद हुए हैं। चीन छल से जो है कार्य कर रहा है। हिंदू जागरण मंच महानगर लखनऊ द्वारा ये समस्त लखनऊ वासियों, प्रदेश वासियों, राज्य और राष्ट्र के समस्त लोगों से ये अपील किया जा रहा है कि चीन के वस्तुओं का पूर्णतया बहिष्कार करें, क्योंकि चीन हमारे देश में तकरीबन 65% अपना व्यापार करता है। अगर हम लोग थोड़ा थोड़ा करके प्रत्येक देशवासी ये संकल्प करें कि हम चीन के वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे और उसको नहीं खरीदेंगे, तो उसके ऊपर बहुत बड़ा आर्थिक संकट हो जाएगा। और जो ये अपने साम्राज्यशाली गतिविधियाँ, राजशाही गतिविधियाँ बढ़ा रहा है, उसमें व्यापार का बड़ा हाथ होता है। तो व्यापार का जैसे जैसे क्षरण होगा, इस वजह से चीन का भी क्षरण निश्चित ही होगा। और अगर हम लोग ये सब संकल्प उठा लेंगे तो भारत पुनः अपने आप को स्थापित करते हुए विश्व गुरु बन जाएगा, परम सत्ता बन जाएगा और एक सत्ता बन जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।